नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि सभी जानते हैं कि सैनिक हमारे देश की शान है। सैनिक अपना सर्वस्व देश के नाम कर देश की रक्षा करते हैं, लेकिन इस सब में वे अकेले नहीं होते, बल्कि उनका पूरा परिवार भी उतने ही देश के प्रति समर्पित होते हैं। जब सैनिक देश की रक्षा के लिए सरहद पर जाते हैं, तब उनकी पत्नी अकेले ही पूरे घर को संभालती है, घर में बच्चों का ख्याल रखती है, साथ ही साथ ससुर की सेवा भी करती है। सैनिक की पत्नी परिवार को जरा भी महसूस नहीं होने देती कि इस सब में कहीं ना कहीं वो खुद उदास है। दोस्तों, वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि उसका हृदय काफी मजबूत होता है, जो चाह कर भी अपनी पीड़ा को दिखा नहीं सकती। जीवन भर ये साहसी स्त्रियां अकेले ही पीड़ा से संघर्ष करती है, लेकिन मुंह से कभी उफ तक नहीं करती। इससे भी बड़ी त्रासदी ये है कि एक सैनिक जब सरहद पर शहीद हो जाता है, तब उसकी विधवा पत्नी उस सामाजिक कलंक से नहीं बच पाती, जो कि विधवा होने की अवस्था अपने साथ लेकर आती है। सेना अपने सैनिकों और उनके परिवारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, और अगर किसी सैनिक ने देश के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हों तो और भी ज्यादा। लेकिन कुछ समय के बाद एक ऐसी लड़ाई होती है जिसे सैनिक की पत्नी को अनगिनत मंचों पर अकेले ही लड़ना पड़ता है। यह संघर्ष सिर्फ और सिर्फ उसका ही होता है। कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी उसे झेल लेते हैं, तो कुछ हिम्मत हार जाते हैं। दोस्तों, कुछ अनुमानों के अनुसार भारत उन देशों में से एक है जहां सैनिकों की विधवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से कोई पारंपरिक युद्ध भले ही न हुआ हो, पर आतंकवादी गतिविधियों के कारण अपने कर्तव्य पालन के दौरान हमारे अनेक सैनिक शहीद हुए हैं। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार, जब से भारत ने प्रसिद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की है, तब से सीमा पर आतंकवादी शिविरों की संख्या में वृद्धि हुई है, और उनकी संख्या 50 से भी कहीं ज्यादा है। तो एक समाज के तौर पर हमें अपने शहीदों और उनके परिवार का ख्याल रखना ही होगा, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारा देश सुरक्षित है। लेकिन हम अपने शहीद सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन युद्ध विधवाओं के गहरे दुख को नहीं देख पाते। हाँ, इन वीर महिलाओं को अपने पतियों की शहादत पर गर्व है, लेकिन वे अपने परिवार में एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति भी झेल रही है, और उन्हें प्रशासन से मदद की कोई उम्मीद नहीं है। ऊपर से इनमें से बहुत सी महिलाएं अशिक्षित या कम पढ़ी लिखी हैं, और उनमें जागरूकता की भी कमी है, और इसी कारण उन्हें दोनों तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, सैनिकों की इन्हीं साहसी पत्नियों की संघर्ष गाथा को विस्तार देने के लिए हम लेकर आए हैं वीर नारियां। इसे लिखा है प्रसिद्ध पत्रकार अमरीन जैदी ने। यह किताब उन वीर जवानों को समर्पित है जिन्होंने तिरंगे की शान की खातिर युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगा दी, साथ ही उनकी साहसी विधवा पत्नियों और उनके परिवार के बलिदानों का भी एक भावपूर्ण संकलन है। इस किताब को पढ़कर आप उनके परिवार के दुख को महसूस कर पाएंगे, साथ ही उनके प्रति सम्मान का भाव पाठक के भीतर जागेगा। यह किताब सभी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप इसको मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नई लेटेस्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।